हेलो फ्रेंड्स, केम छो? ठीक छो? मजामा छो? एलिस इन बॉर्डरलैंड जैपनीज सीजन अपनी डायरी में लिख लो, कहीं भी जाके लिख लो, मोबाइल में सेव कर लो। भाई ये सीजन मस्ट वॉच सीजन है, मस्ट वॉच। मनी हाइस्ट तो देखा ही होगा आपने, स्क्विड गेम भी देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है। भाई ये सीजन जो है ना, एलिस इन बॉर्डरलैंड स्क्विड गेम का भी बाप है बाप। ये एक जैपनीज सीजन है, हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर। गेम्स का कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये 8 एपिसोड्स पर बेस्ड है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट या 1 घंटे का लगा लो है। तो भाई ये सीजन आपको इतना एंटरटेन करेगा, इतना एंटरटेन करेगा कि आपकी सोच होगी। आपने स्क्विड गेम देखा होगा, स्क्विड गेम में जिस तरह गेम्स खिलाए जाते थे ना, इस सीजन में भी जो है ना गेम्स खिलाए जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भाई कुछ इस तरह है कि इसके पहला सीजन जब रिलीज होता तो कुछ लड़के, ये मैं कह लूं 3 दोस्त जो है ना, अचानक से एक गेम में घुस जाते हैं, पूरा शहर खाली। अब वो गेम में आ चुके हैं भाई, अब उन्हें गेम्स खेलना है अपनी जान बचाने के लिए, और जो जीतेगा उसको थोड़ा टाइम मिलेगा जीने के लिए, फिर दोबारा गेम खेलना है। अब उन्होंने गेम्स खेले तो किस तरह के, क्या माइंड ब्लोइंग गेम्स यार, ऐसे गेम्स आज तक नहीं देखे भाई। और जो हारेगा उसे मिलेगी दर्दनाक मौत। और जिस तरह के गेम्स इसके डायरेक्टर ने डिजाइन किया, इसके डायरेक्टर का नाम है शिनसुके साटू। ये एक जैपनीज सीजन है जो कि नॉवेल पर बेस्ड है। आउटस्टैंडिंग यार, मैं तो बोलता हूं आपके जो ना दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे इस गेम्स को देख के। मतलब इस तरह बारीकी से समझ कर, इस तरह के न्यू गेम्स बनाए गए ना, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। अब इसका सीजन 1 जो है वो पहले आ चुका था, अब 2 साल बाद सीजन 2 रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इसमें जो लोग बच जाते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बच जाते हैं, वो एक अलग लेवल में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें जो ना असल में सच का पता लगाना है कि ये कौन सी दुनिया है, हम अपनी दुनिया से यहां पर कैसे पहुंच गए भाई, और हम जो है किस तरह अपनी दुनिया में वापस जाएंगे। और सच का पता लगाने का एक ही जरिया है, गेम्स खेलो और जीतो। गेम्स जो है वो डबल एक्शन से भरपूर हो गए और भी हार्ड हो गए और एक लेवल ऊपर चले गए। अब किस तरह अरिसु और उसके दोस्त गेम को पार करेंगे ये देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये सीजन मैंने देखा यार, मेरे दिमाग, लिटरली मैं बोल रहा हूं, मेरे दिमाग के घोड़े खोल दिए भाई। इस तरह के गेम्स जो है ना मैंने सोचे भी नहीं थे, तो मतलब आपने भी सोचे नहीं होंगे इस तरह के गेम्स जो है इसमें देखने को मिले हैं। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला सीजन। और इसकी जो स्टोरी चलती है ना, जिस तरह सीजन की, मतलब फास्ट पेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी जो होती है ना टॉम क्रूज की, उससे कम नहीं है। और इसको देख के जो है ना मैं बोलता हूं, आप जो है लाजमी इसको दोबारा भी देखोगे और किसी को रेकमेंड भी करोगे। और अगर इतनी मेरी तारीफ करने के बाद भी नहीं देख रहे हो तो फिर हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं, समझ तो गए होगे आप। तो दोस्तों सीजन मस्ट वॉच है, इसे आपको लाजमी देखना है। आप इसे जो ना, आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में सेव कर लो और लाजमी से चेक करना। इसमें आपके दिमाग के घोड़े खुलेंगे, आपका दिमाग खुलेगा और क्लाइमेक्स तो ऐसा है ना भाई, रोंगटे खड़े कर देगा आपके। तो ये लाजमी चेक करना। मैं इस सीजन को दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स। आपको बहुत मजा आएगा देख के। और अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो, मूवीज और सीजन्स की रिकमेंडेशन पसंद करते हो, तो मुझे फॉलो कर लो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि हमारा कनेक्शन बन जाए, क्योंकि भाई मोहब्बत 2 वे होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।